आज आपको बताने वाले हैं मास्टर सिलेंडर किट बोलेरो पिकअप का चेंज करके कि आपको किस तरह चेंज होता है, इसका नंबर वगैरह क्या है, ये सब देख लीजिए। इसका 5728 अगर जो सिलेंडर चेंज करना चाहते हैं तो ये नंबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम आपको दिखा रहे हैं बोलेरो पिकअप, ये बोलेरो पिकअप में लगता है। इसका हम आपको किट चेंज करके दिखाएंगे कि इसका किट कैसे चेंज किया जाता है। इसका फॉल्ट क्या हो रहा था, गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रहा था, पैडल जो है बार बार धस जा रहा था, ब्रेक एक बार मारने पे अंदर चल जा रहा था, ब्रेक इसका लग नहीं रहा था इसीलिए इसका, और ब्रेक वाल कहीं से लीकेज नहीं था, इसका मतलब किट में फॉल्ट है। ठीक है, जब भी कभी पैडल अंदर घुस जाए तो ये समझ लेना है कि आपको मास्टर सिलेंडर किट में फॉल्ट है। बोलेरो पिकअप के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो इसका किट चेंज कैसे करते हैं मास्टर सिलेंडर के बारे में, इसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जान लें, एक ही वीडियो में पूरा सीख लेना है आपको, दूसरा वीडियो नहीं देखना है। तो चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं। इसको फिटिंग के बारे में आप देख सकते हैं, हमने इसको खोल लिया है, खोल करके हम आपको दिखा रहे हैं कि ये किस टाइप का केटो रबर लगता है, किस टाइप का उसमें बैठता है, ये सारे चीज़ें हम आपको बताएंगे। इसमें टोटल 4 रबड़ रहता है जिसको हम लोग किट बोलते हैं, मास्टर सिलेंडर किट बोलते हैं, 4 रबड़ रहता है, ये 4 हम आपको निकाल कर देखेंगे। एक स्प्रिंग होता है, आप वो स्प्रिंग खोलेंगे उसके बाद वो दोनों रबड़ निकलेगा, दोनों रबड़ बहुत ईजिली निकल जाता है। आपको एक ही बार में सारा चीज़ मतलब सीख लेना है वीडियो में कि किट को कैसी तरह फिट किया जाता है मास्टर सिलेंडर। तो हमने किट को खोल लिया, दो रबर हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या करें, दो रबर खोलने के बाद देख लेगा, इसके नीचे एक वाशर लगता है, आपको दिखा दिए हैं। ठीक है, और दूसरा खोलते हैं, दूसरा पेचकस की सहायता से लेकर के स्क्रू को खोलेंगे, कि स्क्रू लगा होता है और कुछ नहीं है, स्क्रू खोलेंगे तो एक जो है किट उसका निकल जाएगा। टोटल 4 रबर आता है, छोटे छोटे टाइप का आपका 4 रबर मिलता है। तो देख ले, स्क्रू हमने खोल दिया है, उसके बाद जो है स्क्रू खोलने के बाद उसके अंदर रबड़ निकालेंगे। रबड़ निकालने के बाद ही आप देखिए, एक रबड़ में निकाल दिया, रबड़ के अंदर में एक वाशर होता है, वो वाशर हमने निकाल दिया। अब इस रबड़ को हम निकालेंगे पेचकस की सहायता से, हल्का हल्का उसका आएंगे ताकि ये रबड़ आसानी से निकल जाए। ये निकल गई, हम आपको फिट करके ही बताते हैं क्या है। पहले सिलेंडर को ध्यान से देखिए, सिलेंडर कहीं खाया हुआ तो नहीं है, बहुत बढ़िया इसका जाली देखेंगे, गंदा है, इसको साफ़ सुथरा करके उसके बाद लगाना है आपको। हम सिर्फ आपको डेमो करके बता रहे हैं कि किस तरह फिट होता है। ठीक है, और ज़्यादा कमेंट आएगा तो ब्रेक के बारे में और कुछ बताएंगे। पहले ये वीडियो ध्यान से देखिए, आपको सीखना है सिर्फ एक ही वीडियो में सीख लेना है आपको। 4 रबड़ है, हमने दिखा रहा है मास्टर सिलेंडर, जब किट आप मंगवाइएगा तो 4 रबड़ आएगा। ठीक है, तो 2 इसमें लगेगा और 2 वो पिस्टन में लगेगा, एक पिस्टन में 2 रबड़ देता जाता है। ठीक, हमने पहना दिया और ध्यान से देखिए हम किस टाइप से पहना रहे हैं। ठीक है, एक वाशर दिए, उसके बाद एक रबड़ और डालेंगे, इसे नीचे गिर गया उठा लेते हैं, हमने एक रबड़ और डाला है इसमें, और उसके बाद ये लॉक है, उसके बाद ये स्प्रिंग जिस तरह हमने खोला था सेम उसी तरह का, सब ध्यान से गले देखिएगा तुरंत सीख जाइएगा। ठीक है, स्क्रू इसको कसेंगे, पेचकस से पूरी तरह कसने के बाद इसको देखेंगे, इसको प्रेस करके यानी कि दबा करके धीरे धीरे कसना होता है ताकि ये पूरा स्प्रिंग तो हार्ड रहता है थोड़ा, इसीलिए हम इसको पेचकस से दबाएंगे, उसके बाद उसमें कसेंगे। कसने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि दूसरे पिस्टन में करना क्या है। पहले ये पिस्टन को हम कस लेते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, इस तरह जिस तरह हमने दबा किया उसी तरह आप दबा करिएगा, भी बहुत इजीली हो जाएगा, थोड़ा सा ये हार्ड रहता है स्प्रिंग। ठीक है, टाइट हो गया, अभी इस पिस्टन को हम एक साइड में रख देंगे, दूसरी पिस्टन को उठाएंगे। उठाने के बाद वो जो 2 रबड़ बचा हुआ था, 2 किट, हम तो शुरू में ही बोला था हमने कि 4 किट लगाना है, 4 किट इसमें रहता है, छोटा छोटा 4 रबड़ रहता है, इसको टोटल मिला के हम लोग किट बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमने बैठा रहा, दूसरा एक रबड़ बैठाया, एक रबड़ इधर बैठाएंगे, एक सीधा एक उल्टा रबड़ बैठेगा। ठीक है, दोनों हो गया, उसके बाद एक लो स्प्रिंग घुसा दिया हमने, उसके बाद जो छोटा पिस्टन है वो अंदर जाएगा, बड़ा पिस्टन बाहर रहेगा। ठीक है, उस तरह इसी तरह पैडल हम तो दबाएंगे तो उसी तरफ से ब्रेक लगता है उसी टाइप का। ठीक है, तो एक पिस्टन को हमने छोटे हल्का सा छोटा था वो उसको अंदर डाले, उसके ऊपर से ये जिसने जो हम स्प्रिंग टाइट किए थे, जो स्क्रू टाइट किए थे, वो जो पिस्टन है ऊपर रखना है। ठीक है, और दूसरा वो जो जिसमें स्क्रू नहीं टाइट किए उसको नीचे रखना है। इस तरह से हम लोग जो बना करके रेडी कर दिया, हमने किट सेट कर दिया मास्टर सिलेंडर का, और देख सकते हैं आप पूरी तरह से तैयार हो चुका है गाड़ी में लगने के लिए। ठीक है, ओके।